देखिए लैंगिक जनन में होता यह है कि मेल से मेल गैमेट नर यूनिट, और फीमेल से फीमेल गैमेट मेल गैमेट मींस शुक्राणु स्पर्म, और फीमेल गैमेट का मतलब हुआ ओवा यानी अंडा। ब्रह्मांड में जितने भी जीव जंतु हैं सब में जो रिप्रोडक्शन होता है वो जो लैंगिक रिप्रोडक्शन होता है वो इसी तरह से होता है, चाहे वो मेल गैमेट हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे जंतु हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे मेंढक हो, चाहे छिपकली हो, चाहे कोई भी हो, ये विधा है। तो मेल जो है वो मेल गैमेट को उत्पन्न करती है, और जो प्रोसेस होता है वो होता है गैमेटोजेनेसिस। मेल गैमेटोजेनेसिस में मेल युग्म का निर्माण हुआ, और फीमेल गैमेट में फीमेल गैमेट में भी गैमेटोजेनेसिस के द्वारा हुआ। तो एकलिंगी और द्विलिंगी। तो एक्चुअली होता क्या है कि मेल गैमेट के लक्षण आए, फीमेल गैमेट के भी लक्षण आए, तो जो अंतर आ जाता है वो इसी कारण से आ जाता है। मेल गैमेट फीमेल गैमेट दो मिल गए तो बन गया जायगोट, और जायगोट से बन गया नया जीव। तो जो नया जीव बनेगा वो मेल बने या फीमेल बने, अपने पैरेंट से 90% वो अंतर में रहेगा, डिफरेंस उसमें बहुत जरूरी है। ठीक, तो इस तरीके से मेल से मेल गैमेट, फीमेल से फीमेल गैमेट। अब आगे देखिए, देखिए लैंगिक जनन जो है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है संलयन और दूसरा होता है संयुग्मन। इसको कहा जाता है फ्यूजन, और ये होता है फ्यूजन कॉन्जुगेशन। ये अधिकतर छोटे जीवों में होता है, छोटे जीवों का मतलब हुआ जैसे युगलिना, और ये जो जनन है ये 100% बड़े जीवों का मतलब जैसे मेंढक, मछली, साइकस, अमरूद, टमाटर, बैंगन, पपीता आदि, इनमें जो होता है जो बड़े जीव है जंतु पौधे दोनों में उनमें जो होता है फ्यूजन होता है। अब ये फ्यूजन दो प्रकार का होता है, सम और विषम। सम विषम का मतलब क्या है कि अगर गैमेट्स समान हैं, समान का मतलब रंग रूप आकार वगैरह ये समान है तो उसे समान रंग रूप आकार अगर समान है तो सम संलयन कहा जाता है, और अगर असमान है असमान युग्मक भी बने। तो इस तरीके से नर और मादा दो जीव होते हैं या एक जीव होता है, और उससे ये युग्मक बनते हैं। और युग्मक जो है देखिए जो एकलिंगी होंगे, एकलिंगी जो होंगे उनमें लैंगिक द्विरूपता पाई, हम बता चुके हैं आप लैंगिक द्विरूपता का मतलब होता है लैंगिक द्विरूपता। लैंगिक द्विरूपता का मतलब होता है सेक्सुअल
डाइमॉर्फिज्म बाह्य लक्षण रंग रूप, इन तीनों को देख करके हम बताते हैं कि ये जंतु मेल है कि फीमेल है। इस पहचान को ही कहा जाता है लैंगिक गुरुपता, इसमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कहा जाता है। जैसे मनुष्य है, आप मेल को पहचान जाएंगे बाहर से देख करके, इसी तरह फीमेल को पहचान जाएंगे। और ये सब जैसे मेढक है, नर मेढक, मादा मेढक, पुरुष और स्त्री, ये पहचान है। तो इस तरीके से लैंगिक गुरुपता पाई जाती है। और लैंगिक जन्म से सबसे बड़ा बेनिफिट एक्चुअली जो होता है वो ये कि नए नए नस्लों की संतानें उत्पन्न होती हैं, इसलिए लैंगिक जनन जो है वो ज्यादा प्रभावी है अलैंगिक जनन की तुलना। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं। तो देखिए मनुष्य जो है, क्योंकि एक लैंगिक जंतु है, इस तरीके से मेल अलग फीमेल अलग। तो अब देखिए मेल में क्या है कि मेल और फीमेल से जब गैमेट्स बनेंगे, ये गैमेट्स बनेंगे तो ये अब कैसे बनेंगे, तो एक प्रक्रिया होती है जिसे कहा जाता है हिंदी में युग्मक जनन, और इंग्लिश में कहा जाता है गैमेटोजेनेसिस। अब मेल में जो होगा ये, इसे कहा जाएगा शुक्र जनन, इस पर मेटोजेनेसिस, और इसमें कहा जाएगा अंडजनन, ओजेनेसिस। जब ये दोनों प्रोसेस होंगे, और जब ये दोनों प्रोसेस होंगे तब बनेंगे गैमेट्स, इसमें बनेंगे मेल गैमेट, इसमें बनेंगे फीमेल गैमेट। तो इस तरीके से हमने बताया कि अगर एक लैंगिक जंतु है तो उसकी एक पहचान होती है, अब वो पहचान देखकर बताई जा सकती है। जैसे पुरुष और स्त्री को आप देखकर के बता सकते हैं कि कौन मेल है कौन फीमेल है। तो ये लक्षण होते हैं आप बाहर से देख के बता सकते हैं कि ये मेल है फीमेल है, इनके द्वारा जो गैमेट निकलेगा, और यही गैमेट जब मिक्स करके मिलेंगे तो बन जाएगा जायगोट, और जायगोट से बन जाएगा नया जीव। तो इस तरीके से ये एक छोटा सा स्वरूप है ये, और इस तरीके से ये जन्म होता है। और आगे जो है इसका डिटेल में वर्णन जो है आपको हम कैसे गैमेटोजेनेसिस की क्रिया होती है, कैसे युग्मक बनते हैं, क्या ये आपको हम डिटेल में आगे बताएंगे।